वेलकम बैक टू एनसीजीसी। मैं सैयद तकी हसन नियाजी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इंग्लिश के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट लेके आऊँगा, तो वो लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले बता दूँ इस प्लेलिस्ट में आपको क्या मिलने वाला है। इस प्लेलिस्ट में हम इंग्लिश सीखेंगे बिल्कुल बिगनिंग से और इसको एडवांस की तरफ लेके जाएंगे। तो हो सकता है आज की वीडियो मेरे उन बच्चों के लिए जिनकी स्कूलिंग कॉन्वेंट्स में या इंग्लिश मीडियम में रही है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो, पर ये धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ेगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ आपके लिए जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके। अब दो सेपरेट प्लेलिस्ट हमारे चैनल की बन गई, एक जो जनरल स्टडीज़ के लिए चलेगी और दूसरी इंग्लिश के लिए। तो इस प्लेलिस्ट में क्या मिलने वाला है आपको, तो इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट ग्रामर के भी करेंगे, स्पीकिंग पे भी फोकस करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ भी ध्यान देंगे। उसके लिए मुझे आपसे आपका सपोर्ट चाहिए और आप मेरे चैनल को अपने करीबी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोगों को इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो मैं इसके अंदर इसको और इनोवेटिव बना सकूँ आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग। तो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये कि अक्सर मुझसे मेरे स्टूडेंट पूछते हैं, सर क्या स्पीकिंग में ग्रामर का रोल है, क्या इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर आना ज़रूरी है? तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है, पर मेरा मानना यह है कि बेसिक ग्रामर आना सभी को ज़रूरी है। क्यों? उनके लिए जो उस एटमॉस्फेयर में रहे हैं जहाँ इंग्लिश उनको ज़्यादा सुनने को मिली है, और सुनते ही वो सीख जाते हैं। पर एक ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ हमारे आसपास इंग्लिश बोलने वाले नहीं रहते, तो हमें बोलने में हेसिटेशन होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एटलीस्ट बेसिक जानते हों इंग्लिश के, कि इंग्लिश किस तरीके से, क्या डिफरेंस है हमारी अपनी मदर टंग में और इंग्लिश में। तो इसके लिए मिनिमम रूल्स आना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले अपनी क्लास में बच्चों से कहता हूँ कि बिल्कुल ये उसी तरह है कि जब आप कार सीखते हो, ड्राइविंग सीखते हो, तो सबसे पहले आपको जो ड्राइवर जो आपके बराबर में बैठा हो जाए तो आपको सिखाता है, तो वो पहले आपको सारे रूल सिखाता है। फर्स्ट गियर चढ़ा में लीजिए, सेकेंड टाइम डालिए, थर्ड टाइम डालिए। जब आप उससे यूज टू हो जाते हो, कार आपके सामने आती है, तो आपके रूल अपने खुद होते हैं। तो पहले मिनिमम रूल आपको सिखाए जाते हैं, उसके बाद स्पीकिंग में रूल का ख़त्म हो जाता है। तो मिनिमम रूल हमें इसलिए भी जानना है कि जब तक हम मिनिमम रूल्स नहीं जानेंगे, तो दूसरा किस रूल का यूज़ कर रहा है बोलते वक्त, हम उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। अच्छे से समझने के लिए हमें रूल्स थोड़े बहुत बेसिक आना ज़रूरी है। तो अब शुरू करते हैं। देखिए फ़र्क क्या है हमारी ज़बान में और इंग्लिश ज़बान में। हम अपनी ज़बान में अगर किसी लफ्ज़ को कहते हैं, जैसे मैं खाली हूं, तीन लफ्ज हैं। तो पहला लफ्ज अगर हम इसको नंबरिंग दे दें 1, दूसरे लफ्ज को 2 और तीसरे को 3, तो इसका पैटर्न इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में इसका पैटर्न होता है 1 3 2, यानी आई, थर्ड पे क्या है हूं यानी एम, और 2 पे क्या है खाली यानी फ्री, एम फ्री। अच्छा, किस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्या है इस पर हम बाद में फोकस करेंगे, क्योंकि क्या आई है, आय है, आई बोले कि आय बोले, ये बाद में हम इस पर डिस्कस करेंगे, फिलहाल बेसिक पे शुरुआत करते हैं। तो आई एम फ्री, आई एम फ्री, ठीक है। अब इसमें मैं क्या है, सब्जेक्ट। तो पहले यही सीख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसकी दो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, पहली सब्जेक्ट होना, दूसरा वर्ब का होना। कोई भी सेंटेंस इन दो के बिना कभी पूरा नहीं होता, सब्जेक्ट और वर्ब के बिना। और अगर मैं इसको एक लफ्ज में कहूं तो सिर्फ वर्ब के बिना कोई सेंटेंस पूरा नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो पहले सीख लेते हैं कि सब्जेक्ट है क्या, वर्ब है क्या, ऑब्जेक्ट है क्या। तो जब इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनता है तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर
फिर आता है वर्ब और उसके बाद या तो ऑब्जेक्ट होता है या कॉम्प्लीमेंट होता है। तो कभी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, कभी ऑब्जेक्ट हो जाता है, कभी ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये सब है क्या, किस तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं किसे हैं, वो बात करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आपको एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, वो बच्चे जो बिल्कुल शुरू से पढ़ना चाहते हैं, और इसको क्लास समझ के नोट कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आपको कोई एक रुपया खर्च नहीं करना, अपने घर बैठ के अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहले बात करते चलिए कर्ता की। तो कॉपी पे आप कर्ता या सब्जेक्ट, यानी जो काम को करे वो सब्जेक्ट है, जो काम को करे वो सब्जेक्ट है, या जिसके बारे में बात हो रही हो वो सब्जेक्ट है। तो इन शॉर्ट काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। अब यहाँ मैं खाली हूँ तो यहाँ मेरे बारे में बात हो रही है, तो आई सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कभी नाउन होता है, कभी प्रोनाउन होता है। नाउन यानी संज्ञा, आप संज्ञा क्या होती है आगे सीखेंगे, प्रोनाउन क्या होता है आगे सीखेंगे। तो हम पहले तो सिर्फ बेसिक पे इतना समझ लीजिए कि सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के और टाइप्स कितने होते हैं वो सब हम धीरे धीरे जब हम इसको ग्रामर की तरफ बढ़ाएंगे तो सब्जेक्ट के टाइप्स भी पढ़ लेंगे। इतना जाना कि सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं। दूसरा लफ्ज हमने लिखा वर्ब। यानी क्रिया, किसी काम का होना या किसी बात का होना क्रिया कहलाता है। किसी काम का होना या किसी बात का होना क्रिया कहलाता है। तो हर सेंटेंस के अंदर क्रिया का होना जरूरी है। जब तक क्रिया नहीं होगी कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो और कॉम्प्लीमेंट हो भी सकता है और नहीं भी। अब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं तो उसमें आता है आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस बताना होता है। एक सेंटेंस दे देता है, आपसे कहता है फैसल इज अ बॉय, फैसल इज अ बॉय। तो बात किसके बारे में हो रही है, फैसल। तो फैसल हो गए सब्जेक्ट। इज है, तो है हो गया इसका वर्ब। अब बचा अ बॉय। अ बॉय कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट? अब ये एक अपना पूरा एक टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। जब मैं कॉम्पिटिटिव की तरफ आऊंगा तो बताऊंगा, बस अभी इतना शॉर्ट में समझ लीजिए। जब वर्ब के बाद आने वाला सब्जेक्ट को कर्ता को डिफाइन करे तो कॉम्प्लीमेंट होता है। सेम टू सेम, यानी बॉय और फैसल एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। तो ये बॉय कॉम्प्लीमेंट हो गया, ना के ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट के फर्दर टाइप्स भी होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट के भी टाइप्स होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। पर अभी क्योंकि हमने बेसिक से शुरू किया है तो इसकी डिटेल में जाएंगे तो क्लास लंबा हो जाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगी हमें आगे समझने में। जो बच्चे बिल्कुल बिगनिंग से शुरू कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जो स्कूलिंग में स्कूलिंग सही से नहीं हो पाई है या स्कूलिंग छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया है, उन्हें आगे इससे परेशानी हो जाएगी कि आज ही मैंने सब्जेक्ट के टाइप्स या वर्ब के टाइप्स और ऑब्जेक्ट के टाइप्स। अभी हम शुरू करते हैं, वापस आते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। अब मैंने अभी कहा कि अगर सब्जेक्ट नहीं भी है तो भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट हिडन होता है, यानी छुपा हुआ होता है। जैसे अगर कोई कहता है
गेट आउट। सेंटेंस मुकम्मल है, निकल जाओ मुकम्मल सेंटेंस है, जबकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट था, छुपा हुआ था, हिडन था, तो सब्जेक्ट था इसका यू, पर हमने लिखा नहीं, बिना लिखे भी अंडरस्टूड था। तो ये बात कि जब तक वर्ब नहीं होगा कोई भी सेंटेंस नहीं बनेगा। तो यहां गेट आउट वर्ब था, इसी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो सेंटेंस की सबसे जरूरी चीज है वर्ब का होना। तो हमने वर्ब के बारे में इतना सीख लिया कि क्रिया या जिसके बारे में जो बात हो रही है वो वर्ब होता है। वर्ब के और टाइप्स कैसे होते हैं वो हम सीखेंगे। तो अभी हमने सीखा कि हमने किसी भी सेंटेंस बनाते वक्त सब्जेक्ट को लाना होता है, वर्ब को लाना होता है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में से किसी एक को लाना होता है। अच्छा हाँ, बात हुई ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है ये तो बताया नहीं। ऑब्जेक्ट जो वर्ब पर सवाल खड़े करे या वर्ब का क्रियाफल हो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे अगर कोई कहता है आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो देखिए आई जिसके बारे में बात हो रही है यानी सब्जेक्ट, एम प्लेइंग ये वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, एम प्लेइंग हो गया वर्ब। तो अब क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है। देखिए क्रिकेट और आई एक नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है, क्रिकेट और आई एक नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो खेल का सॉरी काम का असर पड़े। तो कोई कहेगा मैं खेल रहा हूं, तो दिमाग में जो पहला सवाल आएगा क्या, व्हाट, तो आप कहेंगे क्रिकेट। तो क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट हो गया, क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं वाक्य क्या है, यानी सेंटेंस क्या है। सेंटेंस क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वो समूह जो एक अर्थ बनाए उसको सेंटेंस कहते हैं। तो बात यह है, क्या सेंटेंस और टेंस एक ही चीज है, या हर सेंटेंस टेंस होता है, या हर टेंस एक सेंटेंस होता है। तो इसको जानने के लिए हमें टेंस को जानना पड़ेगा, जो मैं आपको अगली वीडियो में टेंस लेके आऊंगा, टेंस के बाद मॉडल लेके आऊंगा, उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर सेंटेंसेस लेके आऊंगा, और फिर धीरे धीरे इसके अंदर एडवांसमेंट लाते रहेंगे और ग्रामर के बेसिक रूल्स आपके सामने मैं लेके आता रहूंगा कि वर्ब क्या है, वर्ब के टाइप्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, आर्टिकल्स क्या हैं, प्रपोजिशन क्या है। पर उसके लिए मुझे ज़रूरत है कि आप लोग मुझे भी थोड़ा मोटिवेट करें, मेरी वीडियोस को आप ज़रूरतमंद तक पहुंचाएं और मेरे पास सब्सक्राइबर बढ़ाएं और लाइक्स बढ़ाएं, तो मुझे भी लगेगा कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं या आपके काम आ रही हैं, तो मैं उसी हिसाब से अपनी वीडियोस को जल्द से जल्द लेके आऊँगा। तो बात अभी करते हैं सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, यानी शब्दों का वो समूह है जो अपना अर्थ रखता हो। शब्द तो बहुत सारे होते हैं, मगर वो शब्द मिल के एक अर्थ बना लें उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस प्रेजेंट हो सकता है, यानी वर्तमान में हो सकता है, सेंटेंस पास्ट हो सकता है यानी भूतकाल में जो हो चुका है, और फ्यूचर हो सकता है यानी भविष्य में हो सकता है। तो पहले बात करते हैं हम सिंपल सेंटेंस की। ये सिंपल सेंटेंस क्या है, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन होता हुआ ना दिखे, सिर्फ किसी के बारे में कोई राय दी जाए, एक स्टेटमेंट दिया जाए, उसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, जिसके अंदर किसी तरह का कोई टेंस इस्तेमाल ना हुआ हो। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस में जब हम बात करते हैं प्रेजेंट की, तो हम सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर का यूज करते हैं,
इज़ेमार। तो इज़ेमार में इज़ हो जा इज़ और एम दोनों सिंगुलर के साथ यूज होते हैं, यानी एक वचन के साथ, जिसमें एम जो है आई के साथ यूज होता है और आर जो है वो प्लूरल के साथ यूज होता है, यानी बहुवचन के साथ। तो जब ये पास्ट में जाते हैं तो ये बन जाता है वॉज और वर। तो वॉज भी एक वचन में और वर बहुवचन। तो पता ये चला कि ये वॉज और वर हो गए। इसके बाद फ्यूचर के लिए हम होगा या होंगा ऐसे लफ्जों के लिए शैल बी या विल बी लाते हैं, बी का अर्थ होना भी होता है। तो अब हम एक बात को तीन तरह से सीखेंगे। जैसे मैं खुश हूं, तो देखिए अभी सिखाया कि वन टू थ्री, और इंग्लिश में वन थ्री टू। तो आई एम हैप्पी, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश होऊंगा, आई शैल बी हैप्पी। तो अभी इतना जान लेते हैं कि शैल का यूज आई और वी के लिए होता है, बाकी सब सब्जेक्ट में विल आता है। पर कहां शैल आई और वी के साथ भी यूज होता है, ये आगे सीखेंगे जब हम धीरे धीरे एडवांसमेंट की तरफ से। अभी के लिए सिर्फ इतना सीख लिए कि आई और वी के साथ शैल लगा दीजिए, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल लगा दीजिए। तो आई एम हैप्पी, आई वॉज हैप्पी, शैल बी हैप्पी। तो ये हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेंसेस क्या होते हैं या सेंटेंसेस के और टाइप्स क्या होते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये सब जब मुमकिन होगा, जब मुझे लगेगा कि मेरी वीडियो सही लोगों तक पहुंच रही है और लोग मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि मेरी वीडियो से ज़्यादा वो लोग जुड़ पाएँ जो जिनके पास ना तो स्कूल जाने का टाइम है ना दोबारा से पढ़ाई करने का टाइम है, पर अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं बिना किसी खर्चे के, बिना किसी फीस के। सिर्फ घर बैठ के 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे की वीडियो देखना है, कॉपी लेके लिखना है। और जब मुझे लगेगा कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो मैं जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आया करूँगा, ताकि आपका बिना किसी खर्चे के अपनी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में मदद हो सके। तो इसके लिए कुछ होमवर्क लिख लीजिए। वो बच्चे जो बिल्कुल अभी पढ़ाई को शुरू कर रहे हैं, बेसिक से शुरू कर रहे हैं, या वो लोग जिनको पढ़ाई छोड़े हुए दिन हो गए और अब वो फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ सेंटेंस बना के देखिएगा। जैसे मैं खुश हूँ, या तो लिख दिया, अब दूसरी लिख लीजिएगा कुछ सेंटेंसेस बता देता हूं। जैसे मैं दुखी हूं, तो दुखी यानी सैड, मैं दुखी हूं, मैं दुखी था, मैं दुखी होऊंगा, तीन तरह से बनाइएगा। फिर मैं व्यस्त हूं, व्यस्त यानी बिजी, मैं बिजी हूं, आई एम बिजी, मैं बिजी था, वॉज बिजी, मैं बिजी होऊंगा, आई शैल बी बिजी। मैं एक विद्यार्थी हूं, तो एक को भी, इन एक विद्यार्थी को भी एक ही जगह गिनेंगे। देखिए एक विद्यार्थी यानी आर स्टूडेंट, तो ये ए जो है जब आर्टिकल बन जाता है तो आ बन जाता है स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूं, मैं विद्यार्थी था, मैं विद्यार्थी होऊंगा। बस इतना प्रैक्टिस कर लीजिए और मेरे चैनल को
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। तो इसी प्लेलिस्ट में आपको बेसिक से एडवांस की तरफ क्लासेस जाते हुए दिखेंगे, और आपको बिना किसी खर्चे के, बिना सिंगल पैनी खर्च किए, आप अपनी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट पाएंगे। तो जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।